हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1857 की क्रांति से संबंधित। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है, जैसे व्याख्याताओं के हैं या कंप्यूटर संगणक के हैं, उद्योग प्रसार अधिकारी, वीडियो प्री मेंस और पटवार के और RAS रीट कॉन्स्टेबल SI के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन से क्रांतिकारी किस जेल में रहे उनसे संबंधित है? तो अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में रहे थे, ये सही है। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में थे, तो ये भी सही। और विजय सिंह पति को टोटगढ़ जेल में रखा गया, ये भी सही। और जोरावर सिंह को, तो जोरावर सिंह बरेली जेल में नहीं थे, जोरावर सिंह केसरी बारट के भाई थे और प्रताप सिंह इनके भतीजे थे। तो सन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर ये इन्होंने बम फेंका था, तो प्रताप सिंह को कैद कर लिया, लेकिन जोरावर सिंह मृत्यु पर्यंत तक स्वतंत्र रहे थे, इसलिए इनका संबंध जेल से नहीं है। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजाव, सर्वाधिक योगी नेता माने जाते हैं। तो वो भील आंदोलन के योगी नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो वो हो जाएंगे स्वामी गोविंदगिरी ने किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को चुनिए। तो बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत से संबंधित नहीं है, इनका संबंध जोधपुर रियासत से था। और 19 जून 1942 को जोधपुर केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल के दौरान अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर रियासत से है, और रघुवर दास गोयल का संबंध बीकानेर रियासत से, और हीरालाल शास्त्री का संबंध जयपुर रियासत से है, और ये प्रधानमंत्री भी थे संयुक्त राजस्थान के। नेक्स्ट है किसने, मतलब व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी गोविंदगिरी ने किया था। नेक्स्ट है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे किशन लाल जोशी। नेक्स्ट है राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? तो राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को माना जाता है, दामोदर लाल व्यास को। नेक्स्ट है भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो नागौर की निवासी थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो वो हो जाएंगे जोरावर सिंह बारट। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। और जो भी साथी नए होते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं।